नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आज बसवा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेम देवी सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सहायक चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उसे अर्पित किया। इस अवसर पर वाजपेयी जी के जीवन वृतांत एवं सुशासन पर विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित मुख्य वक्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा अजीत सिंह रावत रहे। साथ ही राम भरोसी मीणा, प्रधानाचार्य कमलेश कसाना, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद बैरवा, प्राचार्य रवि शंकर शर्मा ने भी वक्त के रूप में विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व बेसवा नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश जी पारिक, रिटायर्ड व्याख्याता बाबूलाल सैनी ने भी विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में CBEO बनवारी लाल मीणा, PEO राजेंद्र प्रसाद बैरवा, BCMOLS गुप्ता, प्रोग्रामर दिनेश नगर डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता, पार्षद राजेंद्र सैनी, सीमा शर्मा, नूरजहां ममता शर्मा, रेखा सैनी, रमेश टिकीवाल, पिंटू सैनी, दिनेश जांगिड़, सुल्तान सैनी, मोहनलाल सैनी, समाज से भी प्रभु मीणा, पुरनमल सैनी सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। मंच संचालन प्रकाश चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। करना चाहूंगा, भारत को स्थिर सरकार देना हम सभी का संकल्प है। हम सभी सर्वप्रथम सर्वपंथ समभाव, सामाजिक समरसता, महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना, ऐसे व्यापक सिद्धांतों से बंधे हुए हैं और इन सिद्धांतों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, एक समय जब एक वोट से उनकी सरकार गिर जाती है, वो कहते हैं कि सरकार गिरना, इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। ठीक है, जैसा हुआ होना चाहिए था हो गया, लेकिन मुझे खुशी तब होती जब विपक्ष मिलकर के एक स्थिर, एक वैकल्पिक, एक स्थायी सरकार बनाते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं, मैंने अपने 40 वर्षों के इस संसदीय जीवन में कभी अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। सदन की शुरुआत करते हुए वो कहते हैं, कितना बड़ा हृदय है उनका कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप हुए, कुछ गर्मा गर्मी भी रही, लेकिन इन कुछ महीनों की कड़वाहट को छोड़कर अब हमें राष्ट्र निर्माण में जुट जाना चाहिए। इतना बड़ा या विशाल हृदय या तो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है या फिर हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का रहा है। इस सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हैं सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सम्मान्य जनप्रतिनिधि, मेरे शिक्षक साथी, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का विद्यालय परिवार और समस्त ग्राम पंचायत बसवा के शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन रहा कि हमने सुशासन के विषय में काफी वक्ताओं की बात सुनी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें प्राप्त हुई। साथियों, सुशासन का अर्थ अपन देखे इन दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ। सु यानी अच्छा, शासन यानी प्रशासन। अच्छा प्रशासन क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा की जा चुकी है, पर दो लाइनों में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि सुशासन का अर्थ शायद ये हो सकता है जो पहले वक्ताओं ने बताया कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उसका अधिकार, उसके लाभ उसे मिल जाए। हमारे
प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने एक बात बताई थी कि यहाँ से एक रुपया चलता है और वो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसे ही रह जाते हैं। तब विचार हुआ था कि वो रुपया चलता चलता गिर जाता है और लाभार्थी तक 25 पैसे या 20 पैसे पहुंच पाता है। तो संसद में बड़ा विचारणीय बिंदु था, उसमें काफी चर्चाएं हुई। तो मेरे कहने का शायद आखिरी यही है, मैं कहना चाहूंगा कि सुशासन तभी होगा जब ऊपर से चला हुआ रुपया लाभार्थी तक पूर्ण रूप में वहां पहुंच जाएगा, उसी को हम सुशासन कहेंगे। और आदरणीय अटल जी की सोच यही थी कि रुपया चले रुपये पहुंचे। अब काफी समय हो चुका है, बहुत सारे वक्ताओं को हमने सुना है, आप सभी